रानू मंडल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सलमान खान के पिता के कहने पर जिस तरीके से हिमेश रेशमिया ने उन तमाम मददगारों की मदद करने की कसम खाई थी, उसे पूरा करते हुए रानू को वो मुकाम दिलाया जिस मुकाम की वो हकदार थी। आज रानू उसकी वजह से किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हर कोई रानू के पीछे है। कभी रानू एक रुपए की मोहताज थी, आज लाखों उनके लिए इंतजार में हैं। और इस दरमियान अक्षय कुमार ने भी ऐलान किया है कि वो अपने फिल्मों में रानू को गाने का मौका देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें सुपरस्टार सलमान खान की, तो दबंग खान ने भी रानू को कहा है कि मैं इन्हें एक और बड़ा मौका देने वाला हूँ। आखिर सलमान खान दिलेर तो है ही, दिल बड़ा तो है ही, समाज सेवा तो करते ही हैं। जब उन्होंने अपनी बहन को इतना प्यार दिया है तो फिर और लोगों को कितना प्यार देंगे, ये आप सोच सकते हैं। दिल बहुत बड़ा है सलमान खान का, और उनके पिता सलीम का तो कहना ही क्या है। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हिमेश रेशमिया ने रानू को इतना बड़ा मौका दिया कि आज रानू फर्श से अर्श पर हैं। आसमान की बुलंदियों को छू रही है रानू। आज रानू किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भोजपुरिया जगत से भी रानू के लिए बुलावा आया है। जब बॉलीवुड रानू को बुला रहा है तो फिर ऐसे में भोजपुरिया समाज कैसे पीछे रह सकता है। वहां से भी बुलावा आ गया रानू को। और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रानू से बात की है और रानू के लिए तमाम लोगों से कहा है कि रानू की मदद करो। वैसे रानू को तमाम मदद मिल रही है। पीएम मोदी भी चाहते हैं कि रानू जैसे लोग और कलाकार हमेशा आगे बढ़े। आपने पीएम मोदी को खेती के मामले में भी सुना होगा कि जो महिलाएं खेती में बेहतर कर रही थीं, उन्हें उन्होंने नवाजा था पुरस्कारों से और इनाम दिए थे। बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने महिलाओं की सेवा में दो कदम और आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के अलावा उन महिलाओं को जिनके घर में चूल्हा चौकी जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, उनके लिए उज्ज्वला योजना लाए और इसके तहत तमाम माँ बहनों को लकड़ी और चूल्हे चक्की से झंझट जो होती थी उससे मुक्ति मिल गई, आंसुओं से मुक्ति मिल गई। जब धुआं निकलता था तो आंसू निकलने लगते थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर रानू की भी पीठ थपथपाई है पीएम मोदी ने और उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद मिलेगी। हम कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये देखिए अच्छे दिन आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। अच्छे दिन ऐसे नहीं आते, तो वाकई में अच्छे दिन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भैया आप सबसे पहले रानू की ही मेहनत को देख लीजिए, कितना मेहनत किया है रानू ने अपनी जिंदगी में, किस तरीके से रानू ने अपनी जिंदगी में भीख मांगने से लेकर वो तमाम तरीके की चीजें की। फिरोज खान के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी रानू, लेकिन गाने का रियाज नहीं छोड़ा था। भले इस कोहिनूर को फिरोज नहीं पहचान पाए, उसके बाद वो वापस आ गई कोलकाता और कोलकाता में आने के बाद बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर गा गा कर 1, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी मिलते थे उससे अपना पेट पालती थी। एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई, उसने भी माँ से नाता तोड़ लिया। उसके बाद बेटी ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज जब माँ सुपरस्टार बन गई है तो बेटी दौड़ी चली आई है और माँ का आंचल थाम लिया है। आज वर्षों बाद माँ की याद आई, माँ का आंचल याद आया। उस वक्त कहाँ थी ये बेटी जब वक्त आया था माँ की सेवा करने का। तो देखिए कहते हैं ना साहब कि मेहनत रंग लाती है, भले बुढ़ापे में ही सही, पर भले अंतिम समय में ही सही, लेकिन अब वक्त आ गया कि रानू की भी किस्मत सवर गई। रानू ने जिस तरीके से कोलकाता में तमाम जगहों पर बैठकर लोगों से 1 रुपए 2 रुपए मांगकर अपनी जिंदगी गुजारी थी, वो जिंदगी अब पीछे छूट गई। अब रानू बन चुकी हैं फैशनेबल, सुंदर, स्मार्ट, जो कभी रानू ने सोचा नहीं होगा। जवानी के वक्त में रानू कोलकाता में ऑर्केस्ट्रा में भी गाया करती थी और वहाँ पर लोग इन्हें बॉबी के नाम से जाना करते थे। लेकिन वक्त बदला और रानू जब और बड़ी हुई तो उनकी मासी ने चूंकि पाला पोसा था तो उन्होंने उनकी शादी कर दी। लेकिन पति भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा, वो मुंबई में काम करता था और ये भी जब मुंबई गई तो वहाँ फिरोज खान के घर पर इन्हें चौका बर्तन करने का मौका मिला, वहाँ भी रहीं और वहाँ के बाद से वो वापस चली आई कोलकाता
और कोलकाता की गलियों में गाकर भीख मांगकर जीवन यापन करने लगी। कुछ लोग इन्हें बिस्किट दे देते तो कुछ लोग कुछ पैसे दे देते जिससे उनका जीवन चल रहा था। लेकिन उसी बीच एक फरिश्ता आया तिंद्र और उन्होंने एक पल में एक झटके में जीवन को वहां तक पहुंचा दिया जहां शायद भगवान ही पहुंचा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान खुद नहीं आ सकते इसलिए किसी न किसी फरिश्ते को जरूर भेज देते हैं। तो अतिंद्र आए और इनका वीडियो वायरल किया और उसके बाद ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि रातों रात रानो बन गई सुपरस्टार। रानो की जिंदगी में वो तमाम चीजें आ गई जो शायद ही रानो ने सोचा होगा। सोचा तो ज़रूर होगा क्योंकि जब तक आप सोचते नहीं, इमेजिन करते नहीं, तब तक तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती नहीं। तो सोचो दोस्तों, इमेजिन करो, ख्वाब देखो, क्योंकि सपने सच जरूर होते हैं। तो जिस तरीके से रानो ने जीवन में तमाम खुशियों को त्याग कर अपनी सफलता की तो उन्होंने कदर ही नहीं की। उन्होंने हमेशा से लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचा था, अच्छा अच्छा किया था और उसके बाद भी उन्हें सुख शांति नहीं मिली। पति के चले जाने के बाद उन्होंने बेटी को किस तरीके से पाला पोसा होगा आप समझ सकते हैं। मासी के यहाँ रह रही थी, मासी की भी अब उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहने लगी थी। लेकिन खैर, वक्त बदला, ईश्वर ने अतिंद्र का रूप धरकर प्रकट हुए और इनका वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो पहुंच गया हिमेश रेशमिया तक। हिमेश ने इन्हें मौका दिया गाने का और तेरी मेरी कहानी में गाकर इन्होंने जबरदस्त हिट ला दिए हैं। अब ये गाना भी हो जाएगा लग रहा है ऐसा जैसे सुपर डुपर हिट। वैसे रानू को सबने मौका दिया है। अब इसी बात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सब रानू को मौका देंगे। रानू ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहेंगी और ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इनका सपोर्ट किया है वैसे आप तमाम देशवासियों को रानू का सपोर्ट करना चाहिए और उन तमाम कलाकारों का करना चाहिए जो जीवन में संघर्ष को अपना सब कुछ मान चुके हैं और संघर्ष का दामन पकड़कर चल रहे हैं। कभी तो पहचान मिलेगी। यही नई सोच के साथ आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि चलना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।